लॉकडाउन के चलते विभिन्न राज्यों में फंसे झारखंड के भी लाखों मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। झारखंड के अनुरोध और अन्य राज्यों के सहयोग के बाद लॉकडाउन में मजदूरों को घर पहुंचाने वाली पहली स्पेशल ट्रेन चलाई जा चुकी है और तेलंगाना सरकार की पहल पर तेलंगाना के लिंगमपेली से 1176 मजदूरों को लेकर 24 बोगियों की एक स्पेशल ट्रेन शुक्रवार देर रात रांची के हटिया स्टेशन पहुंची, जहां सभी मजदूरों को फूल और मास्क देकर उनका स्वागत किया गया। स्टेशन पर सबकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद मजदूरों को रास्ते के लिए भोजन के पैकेट भी दिए गए। उन्हें वहां से 56 बसों के माध्यम से भेजा गया। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया और ये सुनिश्चित किया कि सभी मजदूरों की ठीक से स्क्रीनिंग करके ही उन्हें रवाना किया जाए, जिसके बाद उन्होंने फिर दोहराया कि झारखंड सरकार बाहर फंसे सभी लोगों को वापस लाएगी और उनकी सुविधा के भी सभी इंतजाम करेगी। लेकिन पदाधिकारी लगातार हर चीज को माइक्रो लेवल पर बार बार चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी बेसी तो नहीं, और उसको सुधारा भी जा रहा है और ठीक भी किया जाएगा, और जैसे ही लोग आएंगे उसमें अगर कुछ और भी बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी तो ये जिला प्रशासन सक्षम है और ये चीज़ों को अपने तरीके से उस समय समय अनुसार चीज़ों में फिर बदल करेंगे। कोटा से भी ट्रेन रात में चलने, अभी हमने तो कहा है कि हमने बहुत तेजी से सरकार के हमारे प्रशासन व्यवस्था आज के संक्रमण में दिन रात लग करके कार्य कर रहा है, और मैं तो ये अभी नहीं बता पाऊंगा कि कहां कहां से कौन कौन सी ट्रेन बस चल रही है। आप खुद चौक चौक करने हैं, आप देखिएगा कि बहुत तेजी से लोग चारों तरफ से झारखंड में पहुंचेंगे और उन सभी जगहों पर झारखंड के हमारी व्यवस्थाएं उनके स्वागत के लिए खड़ा है, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने की पूरी तैयारी करके बैठे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य में 3 मई तक लॉकडाउन की मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी, इसके बाद सरकार लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए नए सिरे से दिशा निर्देश जारी करेगी। न्यूज़ डेस्क।